नमस्कार दोस्तों स्टडी आई क्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सो so, विकास दुबे का इनकाउंटर हो चुका है इसको लेके ऑलरेडी एक वीडियो स्टडी आई क्यू पे आ चुकी है आप उसको आई थिंक देख ही चुके होंगे लेकिन यहां पर मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ ऐसे सवाल जिनके ऊपर विचार करने की बहुत आवश्यकता है कुछ ऐसे सेंसिटिव क्वेश्चंस जो कि बीइंग अ पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी आई थिंक यहां पर उठाए जाने चाहिए और उठाए भी गए हैं लेकिन प्रॉब्लम उनका जवाब नहीं मिल रहा है हम उन्हीं क्वेश्चंस की चर्चा उन्हीं क्वेश्चन की डिस्कशन आपके साथ यहाँ पर करने वाले हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं अबाउट द लॉ इन्फोर्समेंट अबाउट द जुडिशल सिस्टम वॉट अबाउट द रूल ऑफ लॉ आर्टिकल ट्वेंटी ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहां पे आपके साथ कुछ बात करते हैं सो so, आइए स्टार्ट करते हैं बिफोर दैट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी आई एजुकेशन चैनल एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ऑल राइट सो जल्दी से एक ब्रीफ बैकग्राउंड समझ लेते हैं सबसे पहले तीन जुलाई को आठ कॉप्स मारे गए एनकाउंटर में विद क्रिमिनल्स इन द कानपुर रेड राइट right? तो ये आठ कॉप्स जिनकी यहां पर जो मारे गए थे इनमें कुछ सब इंस्पेक्टर थे एक डीएसपी भी थे एंड कुछ और भी यहां पर कॉप्स थे द पुलिस अक्रॉस टेन स्टेट्स हैड लॉन्च अ मासिव मैनहंट टू नैब नोटोरियस यूपी गैंगस्टर विकास दुबे इसके बाद क्या हुआ यूपी पुलिस ने दस और राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर एक मासिव मैनहंट चलाया सो दैट वो इस यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे जो कि यहाँ पर बेसिकली क्लेम कर रहा था कि ये मैंने किया है उसको पकड़ने के लिए मैनहंट यहाँ पे चलाया गया 9 जुलाई को विकास दुबे को अरेस्ट कर लिया गया कहाँ से इन मध्य प्रदेश उज्जैन मध्य प्रदेश के उज्जैन के एरिया से जहाँ पे वो महाकाल टेंपल में पाया गया था और ये इन्फॉर्मेशन देने वाला एक लोकल शॉपकीपर था जिसने की रिपोर्ट दी पुलिस को ही वॉज बींग ब्रॉड टू कानपुर अमिड अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी ऑन फ्राइडे मॉर्निंग यहाँ तक आई थिंक आप सभी को मालूम होगा कि इसके बाद इसको कानपुर लाया जा रहा था और बहुत अच्छी सिक्योरिटी के साथ फ्राइडे मॉर्निंग को इसको वहां से लाया जा रहा था अब बात आती है फ्राइडे मॉर्निंग की जुलाई 10 की एज दी कॉन्वॉय रीस्ट बर्रा पुलिस सर्कल इन कानपुर vehicle इन विच विकास वॉज सीटेड वो

लेटर ये कंफर्मेशन आती है कि विकास दुबे हैड रिसीव्ड अ बुलेट इंजरी टू दी चेस्ट विच प्रूव्ड फेटल यानी कि वो जानलेवा साबित हुई और इसमें उसकी जान चली गई साथ ही में कई सारे पुलिसमैन भी थे जो कि पुलिसकर्मी थे उन्होंने भी यहाँ पे इंजरीज को सस्टेन किया है इस मुठभेड़ में उनको भी यहां पर इंजरीज आई हैं क्लियर है ए एन आई यूपी का ये ट्वीट है आपके सामने विकास दुबे अटेम्प्टेड टू तो फ्ली बाय स्नैचिंग पिस्टल ऑफ द इंजर्ड पुलिसमैन आफ्टर कार वाज ओवरटर्न पुलिस ट्राई टू मेक हिम सरेंडर ड्यूरिंग विच ही पुलिस मैन ही हॉस्पिटल ये स्टेटमेंट है एसपी कानपुर वेस्ट का ठीक है इस हर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा विकास दुबे अटेम्प्टेड टू फ्ली ठीक है कार ओवर टर्न पुलिस ट्राई टू मेक हिम सरेंडर ड्यूरिंग विच ही फायर्ड एट द पुलिस मैन राइट अब हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की जो कि यूपी पुलिस की इस पूरी कहानी में सामने आती हैं सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ ऐसे इंस्टेंसेस पेश करूंगा। एन एक्स आई एस ऑफिसर जो कि सेक्रेटरी रह चुके हैं एन एक्स आई पी एस ऑफिसर जो कि डीजीपी रह चुके हैं इन्होंने ये सवाल पूछे वाई डिड ही सरेंडर इफ़ यू वॉन्टेड टू एस्केप अगर उसको भागना ही था तो उसने समर्पण क्यों किया और दूसरा वाई वॉज दी कार चेंज आफ्टर दी टोल क्रॉसिंग यहाँ पर किसने पावर दी किसने ऑर्डर्स को पास किया उस कार को चेंज करने के लिए बिकॉज जब टोल क्रॉसिंग के पहले की जो गाड़ी थी वो टाटा सफारी थी और उसके बाद की जो गाड़ी थी वो टी यू वी थ्री हंड्रेड थी हम इन सभी सवालों के बारे में बात करेंगे सबसे पहले इन टेक्निकल ग्लिचेस को समझ लेते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर अस्थाना ये रिटायर्ड ऑफिसर हैं आप देख सकते हैं इसको देखिए द मैन सपोजिडली क्लाइम्ड आउट ऑफ एन ओवरटर्नड वैन इवन दो इंजर्ड रैन हेल्टर फॉर लाइफ हैड एन एक्सचेंज ऑफ फायर विद पुलिस एंड इवेंचुअली गॉट किल्ड बट द मास्क रिमेंड इन प्लेस टुक दी करोना ऑर्डर सीरियसली पुलिस को मास्क तो उतार देना था टू मेक इट मोर रियलिस्टिक ठीक है ये बोल रहे हैं कि पहले तो गाड़ी पलटी उसके बाद इवन दो वो घायल हो चुका था गाड़ी से बाहर निकला और गाड़ी से बाहर निकलने के बाद उसने यहाँ पर फायरिंग की विद द पुलिस एंड इवेंचुअली गॉट किल्ड ठीक है लेकिन मास्क जो था वो अपनी जगह पर रहा सो so ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्या नहीं लगता कि ये इनकाउंटर स्टेज था क्वेश्चन नंबर वन इसके बाद अभी कहानी शुरू हुई है प्लीज स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी यूज टू नो किस तरीके से यहां पर इस एनकाउंटर को स्टेज किया गया है हैव नो फॉर विकास दुबे अनिल स्वरूप अगेन जो मैं बोल एक्स आई एस ऑफिसर हैं पहले भी कोल सेक्रेटरी रह चुके हैं बट वाई डिड ही सरेंडर टू पुलिस इफ ही वॉन्टेड टू एस्केप अगर इसको भागना ही था तो इन द फर्स्ट प्लेस इसने सरेंडर क्यों किया पुलिस को डॉक्टर एनसी का फिर से जो एक और ट्वीट आता है विकास दुबे किल्ड रियली द सेम स्टूपिड स्टोरी विच दे हैड फॉर इज एड मिश्रा जो हाल ही में आपको मालूम होगा कि इसके और कई सारे साथी थे जिनको पिछले कुछ दिनों में मारा गया था जून जुलाई तीन से लेकर जुलाई नौ के बीच में इसके कई सारे साथियों का ऑलरेडी इनकाउंटर हो चुका है ठीक है बिल्कुल ऐसी ही स्टोरी उसके एक साथी मिश्रा के लिए थी हु ट्राइड टू स्नैच द वेपन एंड रन अवे ओनली डिफरेंस इन स्क्रिप्ट दिस टाइम द कार ओवर हु इन द वर्ल्ड वुड बिलीव इन सच एन इम्प्रॉबेबल स्टोरी दैट कन्फर्म्स कवर अप कंप्लीट नाउ ठीक है ये आईपीएस ऑफिसर हैं और यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर कवर अप किया गया है यूपी पुलिस ने इस पूरे इंसिडेंट का कवर अप किया है इसके बाद आगे बढ़ते हैं द डम्बनेस ऑफ द कॉप्स इज ऑबनॉक्शियस सेम स्टोरी दे कुड हैव कुक अप अ बेटर स्टोरी ये कह रहे हैं कि अगर आपको कहानी ही बनानी थी तो कम से कम थोड़ी कोशिश करके एक बेटर कहानी तो बना सकते थे फॉर एग्जाम्पल कि उसको किसी सांप ने काट लिया वाइल देवर टेकिंग टी एट सम डाभा ओवरकम बाई गिल्ट ठीक है या फिर कि उसने उसने अपनी गिल्ट से ओवरकम होकर वो एक ट्रक चलते ट्रक के सामने आ गया जैसा कि आर्टिकल फिफ्टीन नामक एक पिक्चर में दिखाया गया है ठीक है या फिर एक साइनाइड कैप्सूल खा लिया उसने एटलीस्ट वो कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसी स्टोरी बतानी थी तो एटलीस्ट स्टोरी ऐसी तो होती जो थोड़ी बिलीवेबल होती लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा एफर्ट नहीं किया गया और डायरेक्टली इस एनकाउंटर को कवर अप करने की कंप्लीट कोशिश की गई है उसी के बाद एक और ट्वीट आता है आउटरेजियस स्टोरी ऑफ विकास दुबे एनकाउंटर The vehicle is seen lying conveniently on its side, all doors closed. Note the road condition, no reason to overturn so softly. Open fields all around, even a fool with a paunch would not consider running away in the open. ठीक है हाईवे पे जा रहे हैं आप सड़क बिल्कुल खाली है आसपास खुले आपके खेत हैं और इस कंडीशन में कौन सा कौन सा यहाँ पर क्रिमिनल है जो कि भागने की कोशिश करेगा इस विकास दुबे के एनकाउंटर में अगर आप देखें तो आसपास की सड़क बिल्कुल साफ़ है कोई ऐसी जगह नहीं बनती कि ये गाड़ी ओवरटर्न हुई यानि कि ये गाड़ी हो सकता है ओवरटर्न करवाई गई हो सो कई सारे सवाल हैं ये केवल कुछ सवाल हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ हालांकि ये टेक्निकल ग्लिचेज़ हैं अगेन हमारा पर्पज़ यहाँ पर इनके इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है लास्ट टोल टू क्रॉस बाय पुलिस एंड विकास कार नंबर ये देखिए जब टोल क्रॉस कर रहा है तो सफारी स्टॉम नामक गाड़ी है यूपी पी थर्टी टू बी जी फोर फोर एट सिक्स और जैसे ही जब इनकाउंटर होता है डन व्हेन ही वाज इन कार नंबर जो कि गाड़ी पलटी है यू पी सेवेंटी ए और गाड़ी टी यू है यहाँ पर सफारी थी वाई डिड द पुलिस चेंज द कार ऑन हुज ऑर्डर दे चेंज द कार ठीक है सो so ये भी एक सवाल आता है और इस सवाल का भी जवाब अभी तक सामने नहीं आया है इनफैक्ट यहाँ पे कुछ बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्रियों ने, ने भी कुछ कमेंट्स किए हैं अहाना कुमारा इन्होंने कहा द यूपी पुलिस शुड हैव गॉट अ बेटर स्क्रिप्ट एंड डायरेक्टर इन प्लेस फॉर द विकास दुबे एनकाउंटर ये बोल रही हैं डायरेक्टली आलोचना करते हुए कि एटलीस्ट एक अच्छी स्क्रिप्ट तो ले आते आप एक अच्छा निर्देशक तो ले आते आप सो so दैट ये जो स्टोरी है बिलीवेबल लगती उसके बाद तापसी पनू के बारे में आपने सुना होगा वाओ वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस एट ऑल एंड देन दिस अवर बॉलीवुड स्टोरीज आर फार फ्रॉम रियालिटी ठीक है कि बॉलीवुड स्टोरीज आप बोलते हैं कि रियलिटी से दूर हैं लेकिन जो आप कर रहे हैं वो कैसा है आपने इतना बड़ा ड्रामा यहाँ पे क्रिएट कर दिया है खैर अगेन हमारा पर्पस यहाँ पे मुद्द मुख्य पर्पस ये नहीं है द क्वेश्चंस दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू ओवर हेयर विच आर वेरी वेरी सीरियस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो ये सब सवाल हैं मैं वन बाय वन करके सभी सवालों के ऊपर पॉन्डर करूंगा वॉट अबाउट द रूल ऑफ लॉ क्या वॉट अबाउट द ट्रूथ जो कि इसके साथ मर चुका है वो अब बाहर कैसे आएगा ये एक ऐसा व्यक्ति है विकास दुबे एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कम से कम 60 एक्टिव केसेस थे और इसकी जो जर्नी है जो इसकी क्रिमिनल जर्नी है वो पिछले 30 साल से चलती आ रही थी क्रिमिनल्स को ऐसे क्रिमिनल्स को अक्सर पकड़े जाने का फ़ायदा होता है सरकार को बिकॉज अगर ऐसे क्रिमिनल को आप पकड़ते हो तो कई सारे नेता कई सारे पॉलिटिशियंस कई सारे पूरा नेक्सेस जो है कई सारे ऑफिसर्स कई सारे और क्रिमिनल्स पकड़े जाने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है आपने इस व्यक्ति को मारकर ठीक है ये ट्रुथ पूरा का पूरा यहाँ पर छुप गया है डेड पीपल टेल नो टेल्स वॉट अबाउट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया पुलिस का लॉ एन्फोर्समेंट का जो यहाँ पर रोल है उसके बारे में क्या एक इंसान को सरेंडर करना ही नहीं चाहिए बिकॉज उसे मालूम है सरेंडर कर अगर वो करेगा तो उसका इनकाउंटर हो जाएगा क्या प्रशासन यहाँ पर एक रिवेंज पॉलिसी फॉलो कर रही है कि हमें तो बदला लेना है क्योंकि हमारे कुछ ऑफिसर्स मारे गए तो हमें बदला लेकर उन, उनको मारना है यहाँ पर आपको अडोल्फ हिटलर याद आता होगा ठीक है या फिर अगर आपको गांधी जी ने क्या कहा था एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड इज़ फिक्शन रियली मोर ड्रामैटिक दैन ट्रूथ और इज़ द अदर वे अराउंड एक्स्ट्रा जुडिशियल के लिंक्स कई सारे सवाल यहाँ पर उठकर आते हैं वन बाई वन करके डिस्कस करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल द रूल ऑफ लॉ एंड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बोलता है कि हर इंसान को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पूरा हक है आर्टिकल ट्वेंटी वन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बाई प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाई लॉ ठीक है और यहां पर अगर ये नहीं फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब तो एनआर की सिचुएशन आ चुकी है अराजकता आ चुकी है यहां पर कई सारे सोशल मीडिया पे आपको ऐसी चीजें देखने को मिल जाएंगी देर इज नो रूल ऑफ लॉ एंड न्यू डू प्रोसेस ऑफ लॉ इन द न्यू इंडिया क्या ये सही है क्या आप खुद ही सोचिए और खुद ही बताइए कि क्या ये प्रोसेस जो फॉलो किया जा रहा है क्या ये सही तरीका है अगर क्रिमिनल्स को आप पकड़ के मारने लग जाएंगे सो so इसका मतलब तो वो क्रिमिनल और इनक्रेज हो जाएंगे कि हमें अगर हम किसी को पकड़ रहे हैं तो उसको मार ही दे रहे हैं यानी कि क्रिमिनल सोचेगा कि जब मुझे भी तो पुलिस ने मार ही देना है तो मैं किसी को हर्ट करने की जाए वाई डोंट आई जस्ट किल द पर्सन दिस इज द फर्स्ट पॉइंट उसके बाद मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की यहाँ बात करने वाला हूँ सत्य जो कि अब फरेवर छुप चुका है डेड पीपल टेल नो टेल्स वॉज विकास दुबे किल्ड बिकॉज ई न्यू डर्टी सीक्रेट्स ऑफ पॉलिटिशियंस कॉन्स्पेरेसी थ्योरीज रन अबाउंड ऑन ट्विटर आफ्टर इज इनकाउंटर कई सारी थ्योरीज सामने आ रही हैं हाउ वेरी कन्वीनियंट विकास दुबे किल्ड द रीजन आई एम नॉट शोइंग द नेम्स ओवर हेयर बिकॉज मैं ये आपको बताना चाहता हूँ देखिए एक लोकतंत्र है हर इंसान के पास आर्टिकल 19 अवेलेबल है हर नागरिक के पास ठीक है बोलने का हक है और वो अगर ऐसे सवाल उठा रहा है आई थिंक उसको सुना भी जाना चाहिए देयर गो ऑल द सीक्रेट्स एंड डॉसियर्स ऑन नेताज हु पेट्रोनाइज हिम द रियल क्रिमिनल्स किलिंग अ क्रिमिनल इन अ स्टेज एनकाउंटर इज अ क्रिमिनल एक्ट दैट शील्ड द बिगर कल्प्रिट्स शेम ठीक है अगर आप एक स्टेज एनकाउंटर में क्रिमिनल को मार रहे हैं तो वो भी तो एक अपराध हुआ कि नहीं हुआ जो लॉ एंड ऑर्डर है जो लॉ है वो लॉ एनफोर्समेंट के ऑफिसर्स के ऊपर भी तो लागू होता है कि नहीं होता है आगे बढ़ते हैं दरअसल ये कार नहीं पलटी है राज राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है एक और इंसान बोलता है विकास दुबे मारा गया और ना जाने कितने बच गए और फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक इस चीज़ से अगर आप नहीं रिलेट कर पा रहे विकास दुबे ने जो इनकाउंटर किया था तीन जुलाई को जिसमें आठ कॉप्स मारे गए थे उस आर्ट कॉप में उर्मिला वर्मा वाइफ ऑफ कॉन्स्टेबल सुल्तान सिंह हु लॉस्ट इज लाइफ इन एन एनकाउंटर उसने ये कहा आई एम सेटिस्फाइड कहती मैं संतुष्ट हूं कि विकास दुबे मारा गया लेकिन बट नाउ हाउ विल इट कम इन टू फोर एज टू वर बैकिंग हिम तो उन्होंने भी ये सवाल पूछा कि अब ये कैसे मालूम पड़ेगा कि विकास दुबे को जो पीछे सपोर्ट दे रहे थे वो लोग सामने कैसे आएंगे आपने तो एक क्रिमिनल को मार दिया लेकिन एक पूरी टोली है क्रिमिनल्स की जो कि बच गई और विकास दुबे के साथ ही अब वो अब वो बच जाएगी विकास दुबे के मरने के बाद इट कुड हैव बीन अनर बाई क्वेश्चनिंग हिम दिस इज वॉट उर्मिला वर्मा हैज टू से जो कि वाइफ है कॉन्स्टेबल सुल्तान सिंह की इमेजिन इवन दो शी लॉस्ट हर हस्बैंड बट शी इज स्टिल मोर इंटरेस्टेड इन द फैक्ट कि यार हमें यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि विकास दुबे के साथ जो और लोग थे वो कौन थे सो so दैट हम एक सिर्फ एक क्रिमिनल को नहीं लेकिन एक बड़ा सारा क्राइम का जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो पूरा टोला है उसको पकड़ सकें सो ट्रूथ रिमेन्स हिडन फॉर एवर डेड पीपल टेल नो टेल्स आई थिंक दिस इज वेरी वेरी जस्टिफाइड ओवर हेर सेकंड सवाल आता है इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में अ रिटायर्ड ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर टेल्स मी ये ट्वीट की डेट देखिए ध्यान से 9 जुलाई है ध्यान से देखिएगा इट्स अनलाइकली विकास दुबे विल बी कॉट ही एंड एसोसिएट्स विल बी मोस्टली एनकाउंटर्ड दे नो टू मेनी सीक्रेट्स अबाउट टू मेनी बिग पीपल वेल इट्स डे सिक्स सिंस द गैंगस्टर एस्केब्ड आफ्टर किलिंग एट पुलिसमैन वॉच दिस पेस ठीक है सो so ये इंसान बोल रहा है कि एक आई ऑफिसर ने उसे बताया कि विकास दुबे हाईली लाइकली है कि वो मारा जाएगा और पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि उसे कई सारे राज मालूम है और कई सारे बड़े बड़े लोगों के बारे में राज मालूम है अगर वो पकड़ा जाता है तो यहां पे उन्हीं का नुकसान हो जाता है उसके बाद एक ट्वीट आता है स्पीक्स वॉल्यूम ये जुलाई 10 का ट्वीट है आज सुबह का जब ये इनकाउंटर हो चुका है स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स डर्टी नेक्सेस विद पॉलिटिक्स when पीपल ऑफ़ द कंट्री predict an encounter आवर्स बिफोर इट एक्चुअली takes प्लेस यानी कि लोगों को इतना विश्वास हो चुका है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तो ऐसा ही चलता है कि इनकाउंटर हो जाएगा लोग होने से पहले ही प्रेडिक्शन कर पाते हैं अंदाजा लगा पाते हैं कि ऐसी चीज़ होने वाली है वॉट डज इट से अबाउट द कंट्री एज ए होल और ये जब हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यहाँ पर उतर आया है लोग इस तरीके से बिलीव करने लग गए हैं वॉट डज इट मीन इमेजिन कीजिए अभी तो आपको लग रहा है कि एक एक क्रिमिनल मारा गया है कल को अभी मैंने कुछ ही दिन पहले कस्टोडियल डेथ्स के बारे में एक वीडियो बनाई थी बताने के लिए कि जो जयराज और बेनिक्स के साथ हुआ बिल्कुल नॉर्मल ट्रेडर्स थे शॉपकीपर्स थे जो कि अपना काम कर रहे थे केवल एक कमेंट किया और पुलिस ने उनको रिमांड में जा कर के उनके साथ ऐसा टॉर्चर किया ऐसी प्रताड़ना की कि उनकी जान ही चली गई थी ठीक है वहाँ पर भी बहुत सारे सवाल मैंने उठाए थे वॉट अबाउट द रूल ऑफ लॉ व्हाट अबाउट द सी सी क्या सीआरपीसी कुछ नहीं है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये ले डाउन करता है कि किस तरीके से आपको रिमांड में रखना है उसकी हेल्थ का किस तरीके से ध्यान रखना है भले कोई भी हो और ये क्यों है बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी राइट तो यहाँ पर ये चीज़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में क्या बताती है उसके बाद क्या एक पर्सन को कभी सरेंडर करना ही नहीं चाहिए अगर एक पर्सन मान लीजिए वो अब उसको लग रहा है उसको गिल्ट हो रही है उसको बुरा लग रहा है कि जो मैंने किया वो गलत था अब उसको सरेंडर करने का मन कर रहा है विकास दुबे सरेंडेड टू तो एम पी पुलिस एज ही वुड बी किल्ड बाई यू पी पुलिस इन स्टेज एनकाउंटर एज ही कैन इंप्लीकेट मैनी इन द यूपी पुलिस एंड गवर्नमेंट एक इंसान बोलता है कि उसने जानबूझ के एमपी पुलिस को सरेंडर किया बिकॉज अगर वो यूपी पुलिस को सरेंडर करता तो उसको एक स्टेज एनकाउंटर में यूपी पुलिस मार देती मे स्टिल बी एनकाउंटर्ड आफ्टर ही इज हैंडेड ओवर टू यूपी पुलिस ये ट्वीट भी जुलाई नाइन का है तो 9 जुलाई को ये ट्वीट जब सामने आया तब भी ये चीज़ सामने थी कि एक इंसान बोल रहा है कि उसने जानबूझकर एमपी पुलिस को सरेंडर किया और ना कि यूपी पुलिस को सो दैट यूपी पुलिस कहीं उसका एनकाउंटर ना कर दे अगेन एन अनऑन्सर्ड क्वेश्चन एंड फूड फॉर थॉट फर्दर एक्स्ट्रा जुडिशियल फेक एनकाउंटर्स सो इट हैज हैपन्ड वॉट शुड वी कंक्लूड इफ द जुडिशरी कीप्स क्वाइट अबाउट इट पी एस जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड जस्टिस हर एंड जस्टिस बरड अगेन फूड फॉर थॉट एंड मैं आप ही के ऊपर छोड़ रहा हूँ इस चीज को सोचने के लिए आप खुद सोचिए जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं अगेन द क्वेश्चन कम्स डाउन ऑन सी आर पी सी ठीक है पुलिस के पुलिस की ट्रेनिंग होती है तो पुलिस को सी याद करवाया जाता है हर कॉन्स्टेबल से लेकर कर आई ऑफिसर तक के इंसान को सी सी को याद करने को बोला जाता है दैट यू हैव टू फॉलो द पुलिस कोड द प्रोसीजरल कोड हैज टू बी फॉलोड और हर रूल पंजाब हो हरियाणा हो यूपी हो झारखंड हो तमिलनाडु हो हर स्टेट के अपने पुलिस रूल्स बनाए गए हैं उन पुलिस रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और ये रूल्स क्यों बनाए अगर नियमावली को फॉलो ही नहीं करना है तो रूल्स बनाने का मतलब ही क्या है इट्स अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन एंड इफ यू आर गोइंग टू डू फेक एनकाउंटर्स देन वॉट अबाउट द जुडिशियल सिस्टम जब आपने एनकाउंटर ही कर दिया वो इंसान जुडिशियरी तक तो, तो पहुंचा ही नहीं इसका मतलब कि जो प्रशासन है वो तो एक रिवेंज पॉलिसी फॉलो कर रहा है अगेन अनदर वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चन राइट क्या हम यहां परस्ट गोइंग टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ आई फॉर एंड आई अनदर क्वेश्चन आप बहुत सारे सवाल हैं और इसके बाद आप अक्सर पिक्चरें देखते होंगे और आप सोचते होंगे कि फिक्शन इज मच मोर ड्रामेटिक देन ट्रूथ राइट आपको लगता होगा कि जो कल्पना है वो ज्यादा ड्रामेटिक होती है नाटकीय होती है सत्य से लेकिन यहां पर आपके सामने है द फिक्शन इज एक्चुअली नॉट मोर ड्रामेटिक देन ट्रूथ ट्रूथ इज़ एक्चुअली मोर ड्रामेटिक देन फिक्शन विकास दुबे हैज बीन किल्ड द स्क्रिप्ट कंप्लीट्स इट सेल्फ एंड प्रूव दैट ट्रूथ इज मच मोर ड्रामेटिक देन फिक्शन अवेंजिंग द मर्डर ऑफ कॉप्स विल बी सीन एज जस्ट वन पार्ट ऑफ द स्टोरी The अनटोल्ड वन में रिमेन क्वेश्चन ओवर लिंक्स टू टू many पावरफुल पीपल ये वाली कहानी का क्या इस कहानी को कौन बताएगा जिसमें कि विकास दुबे जिसने सरेंडर किया था वो कई सारे पावरफुल लोगों को यहाँ पर एक्सपोज कर सकता था ठीक है अगेन बात वहीं आ जाती है अंत में मैं इस वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूँगा आई विल नॉट बी टेकिंग सो मच ऑफ ए टाइम अपराधी का अंत हो गया है अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या ये एक और कुछ कॉमेंट्स है आई वॉन्ट टू टेल यू ओवर हेयर यहाँ पर देखिए

उन्होंने विकास दुबे के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया था इन 2001. थाउजेंड so, सो अगर जो कॉप्स इसके साथ मिले हुए थे और विकास दुबे को अगर हम कानून के अकॉर्डिंग प्रोसिक्यूट करते तब जाके सही होता जो अभी हुआ है ये न्याय नहीं है ये ये रिवेंज भी नहीं है दिस इज अ कवर अप द ट्रूथ हैज बिन फॉर एवर एनकाउंटेड कि विकास दुबे के साथ साथ सत्य का भी यहां पे एनकाउंटर हुआ है हैड दे प्रोबेबली प्रोसिक्यूटेड हिम एंड गॉट डेथ पेनल्टी लाइक द निर्भया केस क्रिमिनल्स इट वुड ऑनर फॉर द पुलिस

ठीक है एंड आई होप दिस विल रियली मेक यू फील और अंडरस्टैंड कि बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूं थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टेट यून स्टे